आईपीएल की शुरुआत के साथ ही देश भर में सट्टे का कारोबार जोरों पर है और ऐसे में राजधानी की सोडाला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने करोड़ों रुपए के सट्टा कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफ कुरैशी मेहनत नगर में किराए का मकान लेकर सट्टे का कारोबार चला रहा था और जिसके चलते क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस के साथ मकान पर दबिश दी। और साथ ही आपको बता दें कि जहां सभी आरोपी सट्टेबाजी करते पाए गए हैं, पुलिस ने मौके से 22 मोबाइल, 2 लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी, 5 डायरी और 6 रजिस्टर बरामद किए हैं और साथ ही मौके से 125,000 रुपए के सट्टे का हिसाब किताब भी मिला है और फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मिली थी कि मेहनत नगर में एक मोहम्मद शरीफ कुरैशी नाम से बुकी है, मुलजिम है, जो कि वहाँ पर क्रिकेट सट्टे का काम कर रहा है। इस सूचना पे हम वारंट प्राप्त करके उसके मकान पर पहुँचे और वहाँ तलाशी ली, दबिश दी, तो 7 मुलजिम वहाँ पर ऑनलाइन क्रिकेट के जो आईपीएल मैच चल रहे हैं इसमें सट्टा करते हुए मिले, जिसमें उनके पास जो अटैची होती है, कौन सा बॉक्स, मोबाइल से लाइन बॉक्स 10 लाइन वाला एक लाइन बॉक्स जिसमें स्पीकर और रिकॉर्डर सारी चीजें लगी हुई है, उसके आधार पर वो एलईडी टीवी में मैच चल रहा था। एलईडी टीवी मैच को देखकर और लोगों से मोबाइलों पर सट्टा उतार रहे थे और सट्टा